रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं कोशिश करिए कि आप उसको समझ जाए, चाहे दैट यू कैन लर्न इट आउट। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक सिंपल लाइन में समझा रहा हूँ, आप कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भूल ही नहीं पाओगे। गेटिंग आई वॉन्ट दीज थ्री फेलोज, प्लीज कम आउट, अपना कॉपी पेन बुक रख दीजिए, जल्दी आइए, आइए इधर आ जाइए। कौन है भाई? Now you can see here, मैं इन तीनों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे नरेट कर सकता हूँ? बड़ा सिंपल है, यू ऑल नो व्हाट लाइज इन द सेंटर ऑफ एन एटम। चलिए मैं आज बसना के बच्चों का आईक्यू चेक कर रहा हूँ। व्हाट लाइज इन द सेंटर ऑफ एन एटम? एक परमाणु के नाभिक, सॉरी परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, ठीक है, मेरी बात क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर किस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को? सॉरी, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेजे थॉमसन। बट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था विलियम क्रूक्स ने। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूक्स, विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अब उन्होंने जब कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज कैथोड रेज बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड ट्यूब, और वो कैथोड से एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। अनदर नेम ऑफ एनोड रेज, अनदर नेम ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का एक और नाम भी है, क्या है लिख लीजिए अगर नहीं पढ़े तो। एनोड रेज का दूसरा नाम है कैनाल रेज, एनोड रेज दे आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज, CANALRAYS। क्योंकि एनोड रेस के एक्सपेरिमेंट में जो हमने यूज किया था वो परफोरेटेड कैथोड था। जब हम परफोरेटेड वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है छिद्रित हो। माय पॉइंट इज क्लियर? हिंदी मीडियम वालों के लिए उस कैथोड में होल्स थे छोटे छोटे, क्लियर। तो इसीलिए एनोड रेस एकदम जैसे नहर में पानी बहता है, इसीलिए उसका नाम कैनाल रेस पड़ गया। तो बेटा तीन अलग अलग तरह के पार्टिकल्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक मेरा क्वेश्चन बताएंगे, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, व्हाट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज? यस, व्हाट इज योर नेम? रोहन साहू। रोहन, आपने मुझको इंप्रेस कर दिया, मैं अगली बार आऊंगा तो आपके लिए चॉकलेट लाऊंगा। Please clap for him. Nucleons is the proper answer. Clear? लेकिन मैं very good. मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगली बार आऊँ, कब आऊँ पता नहीं, आऊँगा कि नहीं कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँ और एक थोड़ा सा अपना और अच्छे से इस प्रोग्राम को हम प्रोजेक्टर के साथ करें, कोशिश करेंगे कि हम कि अब आप लोगों का स्कूल सीबीएसई वाले दे कैन कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट सीजी बोर्ड नाउ दे विल कम इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, क्योंकि अप्रैल मई जून शायद आप लोगों का शैक्षणिक सत्र नहीं लगेगा शासकीय आदेश के हिसाब से। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जैसा आदेश हुआ है पूरे राज्य भर के लिए कि आप लोगों का अप्रैल मई जून